यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत का झंडा ऊंचा था, ऊंचा है और हमेशा ऊंचा रहेगा। और इस बात का सबूत आज अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भी दे दिया है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। जी हाँ, अंडर 19 क्रिकेट टीम ने आज चौथी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है और इतिहास रच दिया है। आज तक कोई भी टीम, चाहे ऑस्ट्रेलिया है या पाकिस्तान है या श्रीलंका है, कोई भी टीम चार बार अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट इसका पूरी टीम को जाता है, क्योंकि जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट टीम ने एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, ना सिर्फ बैटिंग में, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी, तो बहुत अच्छा तालमेल रहा पूरी टीम में। और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है हेड कोच जो है टीम के, राहुल द्रविड़, जिसको अपने टाइम में जब वो खेलते थे तो ग्रेट वॉल के नाम से जाने जाते थे राहुल द्रविड़। और जिस तरह से उनकी शैली थी खेलने की, एक पेशेंस उनमें नज़र आता था, वो पेशेंस, वो शैली कहीं ना कहीं आज इन प्लेयर्स के माध्यम से हमें फिर से देखने को मिली। पूरे टूर्नामेंट में लाजवाब प्रदर्शन रहा है, एक भी मैच भारतीय टीम नहीं आ रही है। और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को, जो कि कहीं की हर खेल की बात हो तो कट्टर दुश्मन माना जाता है पाकिस्तान, तो उसको बेहतरीन 203 रनों से हराया। उसके बाद फाइनल में प्रवेश करती है इंडियन टीम, तो बेहतरीन रहा। अगर आज के मैच की भी बात की जाए तो 216 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और उसके जवाब में भारत ने मतलब 38 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। बिल्कुल बिंदास होकर टीम खेल रही थी, बेफिक्र होकर खेल रही थी, किसी तरह का प्रेशर नहीं था कि हम फाइनल खेल रहे हैं। शायद यही जो है सिखाया गया था कोच की तरफ से, राहुल द्रविड़ की तरफ से। और वो पूरा जो आज राहुल द्रविड़ का हम कह सकते हैं जो एक पूरा जो करियर का उनका एक निचोड़ रहा है, वो आज अंडर 19 की टीम ने जिस तरह से फाइनल खेला है वो हमें देखने को मिला। अगर पूरे हम इनके इस टूर्नामेंट पर नज़र डालें, जिस तरह से पूरा ये इनका ये टूर रहा है वर्ल्ड कप का, बेहतरीन रहा। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया को 16 रनों से हराती है इंडियन टीम, उसके बाद अगले मैच में इनका सामना होता है पापुआ न्यू गिनी की टीम से, 10 विकेट से उनको हरा दिया। उसके बाद जिम्बाब्वे को फिर से 10 विकेट से हराती है, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में प्रवेश होता है, और क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होता है बांग्लादेश की टीम के साथ, जिनको फिर से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट टीम ने 131 रनों से हरा दिया। उसके बाद सेमीफाइनल में जिस तरह से पहले भी बताया है कि पाकिस्तान से मुकाबला था, और सबकी जो नज़रें हैं वो इस मैच पर टिकी थी कि कौन जीतेगा, कौन प्रवेश करेगा फाइनल में। लेकिन भारत ने जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में किया वो जारी रखा, और सेमीफाइनल में 203 रनों के साथ पाकिस्तान को हरा दिया और इसी के साथ प्रवेश किया फाइनल में। उम्मीदें फिर जागी कि 2000 का, 2008 का, 2012 का इतिहास जो है क्या हम दोहरा पाएंगे, और आज वाकई में इतिहास दोहरा दिया है। और आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है, और खास हो भी क्यों ना, क्योंकि वर्ल्ड कप जो जीता है अंडर 19 क्रिकेट टीम ने, इससे पहले जैसे कि बताया तीन बार हम पहले भी जीत चुके हैं, भारत टीम जीत चुकी है, चौथी बार आज जीता है। अगर पहले की हम बात करें तो सबसे पहले जो वर्ल्ड कप आया था वो साल 2000 में आया था, तब मोहम्मद कैफ जो थे वो कप्तान थे टीम के, और बेहतरीन खेल दिखाया था पूरी टीम ने और श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी थी। उसके बाद विराट कोहली जब कप्तान थे, बात कर रहे हैं 2008 की, विराट कोहली कप्तान थे अंडर 19 टीम के, और तब फिर से दूसरी बार भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था और साउथ अफ्रीका को बड़े ही कड़े मुकाबले में 12 रन से शिकस्त दी थी। उसके बाद फिर से उन्मुक्त चंद की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता अंडर 19 का साल 2012 में। अब 2018 की बारी थी और फिर से फाइनल में टक्कर थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपको बता दें 2012 में जब उन्मुक्त चंद कप्तान थे तो ऑस्ट्रेलिया को ही हराया था 6 विकेट से, और इस बार फिर से ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत था फाइनल में, और सबकी नजरें थी क्या फिर से 2012 का जो इतिहास है वो दोहरा पाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा या फिर नहीं। लेकिन लड़कों ने शानदार खेल दिखाया और फिर से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। हम मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से खेल का प्रदर्शन किया है, 38 ओवर में मैच को खत्म कर दिया, 216 का जो 217 का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, उसको ऐसे खेला जिस तरह से शायद 100 रन का टारगेट हो। बेहतरीन प्रदर्शन, 101 रन बनाए हैं मनजोत ने, और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है, पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया। बीसीसीआई ने हौसला अफजाई की है, बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को और जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उनको 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही जो हेड कोच है यानी कि राहुल द्रविड़, उनको 50 लाख रुपए बीसीसीआई की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि पैसों की तुलना में कभी भी जीत का जो मूल्यांकन है वो नहीं किया जाता, लेकिन ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी है, और हम सलाम करते हैं इस जीत को और सभी खिलाड़ियों को और राहुल द्रविड़ को, जिन्होंने इस
टीम को बनाया है, डिसिप्लिन उनमें डाला है, पेशेंस डाला है, ग्राउंड में किस तरह से खेला है, किस तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, वाकई में राहुल द्रविड़ से अच्छा और राहुल द्रविड़ से बेहतर कोई भी नहीं सिखा पाता इस टीम को जो राहुल द्रविड़ ने करके दिखाया है। उम्मीद यही है कि आगे भी इनका भविष्य और उज्ज्वल हो और भविष्य इनके साथ भारत का भी उज्ज्वल हो, क्योंकि टीम अच्छा खेलेगी तो भारत का नाम रोशन होगा। उम्मीद करते हैं कि इनमें से कुछ खिलाड़ी जल्द ही हमें भारत की सीनियर टीम में भी खेलते हुए नजर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप मनाइए जश्न, क्योंकि आज मौका है जश्न मनाने का।